चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आईएएस और पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ले रहा होता, उनके कुछ आंसर विस्तार में बता रहे थे। तो इस तरह के हम लोग 17 टेस्ट अभी तक खत्म कर चुके थे। ये आपका 18वां टेस्ट है। याद रखिए, ये सभी टेस्ट आपकी उन सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी रहेंगी जिन भी परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर चाहे आपका एमपीपीएससी हो गया या यूपीपीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो भी परीक्षा आपकी हो, ठीक है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लिए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम लोग 18वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गठित सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित एवं में से कौन सम्मिलित है, यानी कि आपको देखना है कि नीचे जो दिए गए संघ और क्षेत्र, इनमें से सही एक तरह से जोड़ी हमें चुनना है कि इसमें से है सही क्या है। आप जानते हैं कि इंडियन एसोसिएशन, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में बनाई गई थी, ये बिल्कुल सही है आपका। धार्मिक सुधार संघ, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये आपका गलत है। सत्यशोधक समाज, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये भी आपका सही है। सही उत्तर चुनना है तो 1 और 3 आपका सही है। 1 3 क्या है, सही है, लेकिन दूसरा आपका गलत है। वैसे आपको बता दूं कि इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना बंगाल प्रेसिडेंसी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में 1876 में हुई थी। किसने किसने की थी, या आपकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन घो बोस ने 1876 में इसकी स्थापना की थी। और इस एसोसिएशन का मेन लक्ष्य था, उद्देश्य था शिक्षा और राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। इंडियन एसोसिएशन वर्ष 1883 के एल्बर्ट विवाद के दौरान सक्रिय था, ठीक है। तो इसके बारे में, इंडियन एसोसिएशन के बारे में आपको याद रखना है। अब बात करते हैं धार्मिक सुधार संघ। तो इसमें आपको याद रखना है कि 1851 में रहनुमाई मजिद यासन सभा या फिर धार्मिक सुधार संघ की स्थापना नौरोजी फरदोजी और दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, और इन्होंने सबने कहाँ की थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। कहाँ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ठीक है। उन्होंने पारसी समुदाय के लोगों में सामाजिक धार्मिक सुधार के उद्देश्य से एक पत्रिका भी निकाली थी, राष्ट्र गुप्तार, ठीक है, याद रखिए। अगर हम सत्यशोधक समाज की बात करें, सत्यशोधक समाज की शुरुआत की थी ज्योतिराव फूले द्वारा। ये आपकी पुणे महाराष्ट्र में, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू की गई थी। कब, 1873 में। 1873 में इन्होंने समाज के जो निम्न और दबे कुचले लोग थे उनके उद्धार या और शिक्षा के लिए इस तरह की काम किया था, ठीक है। ये जातिगत समानता के प्रचार भी किया इन्होंने इसी के तहत। तो सत्यशोधक समाज कई बार पूछ लिया गया है, ज्योतिराव फूले, ज्योतिबा फूले भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, 1 और 3 आपका सही था, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। सी ऑप्शन कैसा था, सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है, भारत में समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित एवं पर आपको विचार करना है। ये पुस्तक हो गई, ये लेखक हो गए। पहला आपका एकेश्वरवादियों का को उपहार, राजा राम मोहन राय, ये आपका बिल्कुल सही है। प्रिंसेप्स ऑफ जीसस, हेनरी विवियन डेरोजियो, ये आपका गलत है। इसमें पूछ क्या रहा है, सही कथन बताना था आपको, तो 1 कथन इसमें सही है, केवल 1, दूसरा आपका गलत है। वैसे आप जानते होंगे कि 1809 में राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक फारसी भाषा में लिखी थी। किसमें, फारसी भाषा में, ठीक है। और अगर हम लोग दूसरी, राजा राम मोहन ने ईसाइयत में भी, विशेष रूप से इसमें व्याप्त अंधविश्वासों के लिए तर्क संहिता को लागू करने पर जोर दिया। और 1820 में उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस प्रकाशित की, जिसमें नए विधान, जिसमें वही प्रशंसा करते थे, ठीक है, याद रखिए। तो ये भी किसकी थी, राजा राम मोहन राय की ही, ना कि हेनरी विवियन डेरोजियो की। तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन, केवल 1 कथन सही है। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है। इसमें आपको एक तरफ ये पुस्तकें दी गई हैं और लेखक दिए गए हैं, सही बताना है आपको, सही सम्मिलित कौन कौन से।
तो इसमें आप देखेंगे कि गुलामगिरी, ताराबाई सिंधी गलत है, स्त्री पुरुष तुलना ज्योतिबा फुले ये भी गलत है, गिफ्ट टू मोनोथेस्टस राजा राम मोहन राय ये आपका बिल्कुल सही है, सत्यार्थ विकास दयानंद सरस्वती ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसमें पूछ क्या रहा है, सही कथन पूछ रहा है, क्या सही कथन पूछ रहा है आपसे। तो आप जानते हैं कि 4 और 3 आपका सही है, लेकिन 1 और 2 गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ज्योति राव गोविंद राव फूले इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, और यह एक समाज सुधारक थे। इन्होंने जो गुलामगिरी पुस्तक है किसने लिखी थी, ज्योतिबा फूले ने, ठीक है याद रखिए, और दासों की मुक्ति के लिए अमेरिकी क्रांति को समर्पित थी ये बुक्स। ताराबाई शिंदे की अगर बात करें हम लोग, तो इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो इससे स्त्री पुरुष किसकी है, ताराबाई शिंदे की। तो याद रखिए गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे, गिफ्ट टू मोनोथेस्टस ए राजा राम मोहन राय, सत्यार्थ विकास दयानंद सरस्वती। इसमें आप लगाएंगे 1 यानी कि बी ऑप्शन सही था, 3 और 4, 1 2 को हम लोगों ने सही बना दिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, ये व्यक्ति हो गए और ये आंदोलन हो गए आपके। ईवी रामास्वामी पेरियार मंदिर प्रवेश आंदोलन गलत है, बी आर अम्बेडकर साहब आत्मसम्मान आंदोलन ये भी गलत है, घासीराम सत्यनामी आंदोलन ये बिल्कुल सही है, इससे संबंधित है, सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, यानी कि आपका 3 और 4 इसमें सही है और 1 और 2 गलत है। 1 2 गलत क्यों है, आपने देखा होगा कि सत्यनामी आंदोलन का आरंभ मध्य भारत में घासीराम द्वारा किया गया था, वे एक निम्न जाति से संबंधित थे, कौन, घासीराम, उन्होंने चमड़े के कारोबार से संबंधित जातियों के बीच काम किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु आंदोलन भी चलाया। 1927 में आपने देखा होगा, 1927 में बी आर अम्बेडकर साहब ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की थी, किसकी, मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, बी आर अम्बेडकर साहब ने, जिन्होंने आपने देखा है कि संविधान लिखा हुआ है पूरा, 1927 की बात है। और ईवी रामास्वामी नायर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, ठीक है याद रखिए। और अलीगढ़ आंदोलन की अगर बात करें हम लोग, तो 1875 की बात है, सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने आपने देखा होगा कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की थी, जिसे आप बाद में जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी इसे जानते हैं आप लोग। तो इसमें आपका 3 और 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि सही कथन पूछ रहा था, तो 3 और 4 इसमें बिल्कुल सही है आपका। धार्मिक सुधार आंदोलन जो भी हुए हैं आपके यहाँ, उनके बारे में बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हर बार क्वेश्चन से देखने को आपका मिलता रहता है उससे। 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से पर विचार करना है, 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था ये आपका बिल्कुल सही है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम वर्ष 1829 में पारित हुआ था ये आपका गलत है, क्या है गलत है, पूछ क्या रहा है, सही कथन पूछ रहा है, तो 1 कथन आपका सही है। याद रखिए इस पॉइंट को आप लोग जैसे भी आपको सूटेबल लगे, जैसे भी मतलब सहूलियत हो, या तो आप पहले क्वेश्चन से पढ़ के इसी लाइन को आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप जैसे भी आपको अच्छा लगे, आपको जिसमें सहूलियत हो आप कर सकते हैं, लेकिन इस कथन को बड़े अच्छे से 1 2 बार पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि आते हुए क्वेश्चंस कई बार गलत कर बैठते आप लोग, ठीक है। अगर हम लोग बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की बात करें, तो ये पारित हुआ था 1829 में, ठीक है, इसमें दिया गया था कि कोई भी महिला और पुरुष हो, पुरुष के लिए 18 वर्ष और महिलाओं के लिए 16 वर्ष विवाह की उम्र रखी गई थी, इससे कम में मतलब किसी भी तरह से कम में शादी नहीं हो सकती थी।
और अभी आप देखते हैं कि बात चल रही है बढ़ाने की, लेकिन अभी 21 लड़के के लिए, 18 लड़की के लिए रखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आत्मसम्मान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आत्म सम्मान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसकी स्थापना इवनीज रामास्वामी द्वारा तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद के विरोध की गई थी, यह आप बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जहाँ पिछड़े वर्गों को समान अधिकार प्राप्त हों, यह भी आपका सही है। इसने ब्राह्मण पुजारी के बिना संपन्न कराए जाने वाले अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया, ये भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपके तीनों कथन ये सही है। क्या है? तीनों कथन आपके सही है। ये आपकी 1920 की बात है, ये आंदोलन 1920 के बीच चला था, आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? डी ऑप्शन, यानी कि आपके तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। इसके नेतृत्वकर्ता एक युवा आंग्ल भारतीय हेनरी डेरोजियो थे। इसे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा मिली थी। इसने सार्वजनिक शिक्षा पर बल दिया और भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज़ भी उठाई। ये तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। क्या है? तीनों कथन सही है, यानी कि इसमें आप डी ऑप्शन लगाएंगे, उपयुक्त सभी आपके सही है। यंग बंगाल आंदोलन का संचालन हिंदू कॉलेज कलकत्ता से उभरे और मुक्त विचार रखने वाले एक बंगाली समूह द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व आंग्ल भारतीय युवा हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया था। इस कारण आप देखते हैं कि इन्हें डेरोजियन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रभाव मुख्यतः पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में था, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत मुख्यतः व्यापारी जातियां शामिल थी, व्यापारिक जातियां, ये भी सही है। यह शुद्धि आंदोलन से संबद्ध था, ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त सभी कथन आपके सही हैं। आप डी ऑप्शन सही है आपका, कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आर्य समाज आंदोलन की शुरुआत आप देखेंगे 1875 में, 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। और दयानंद सरस्वती को का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। और इसी समय आप आर्य समाज की स्थापना भी देखते हैं, ठीक है, तो याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में आरंभिक औपनिवेशिक इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको भारत में आरंभिक औपनिवेशिक इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जेम्स मिल ने वर्ष 1817 में ब्रिटिश भारत का इतिहास की रचना की, बिल्कुल सही है। उसने भारतीय इतिहास को तीन कालखंडों में विभाजित किया, जो थे हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, ये आपका गलत है। जेम्स मिल वास्तव में कभी भारत नहीं आया, लेकिन उसका यह विश्वास था कि एशियाई समाजों में सभ्यता का स्तर यूरोप की तुलना में काफी नीचे है, यह भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं कि एक भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन दूसरा इसमें गलत है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो मिल था इसने भारतीय इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा था। कब कब? कौन कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ना कि ईसाई, ठीक है, याद रखिए इसे भी। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग? बी ऑप्शन, एक और तीन सही है आपका, एक तीन कथन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में आरंभिक ब्रिटिश शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शुरुआत में ब्रिटिश शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को भारत का मानचित्र बनाने के लिए कहा था,
बिल्कुल सही है। भारत में ब्रिटिश विजय का एक बड़ा समर्थक रेनल मानचित्र निर्माण को प्रभुत्व पर स्थापित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मानता था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। भारत का पहला मानचित्र 1782 में जेम्स रेनल द्वारा बनाया गया था। ये भी आपका सही है। सही कथन बताने हैं आपको, तो आप देख रहे हैं कि तीनों सही हैं। क्या है, तीनों कथन आपकी बिल्कुल सही है। ये आप देखेंगे, सन 1767 में बंगाल और बिहार के गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण जनरल नियुक्त किया था। ठीक है, तभी इसने, आप देखेंगे 1782 में इसने भारत का पहला मानचित्र बनाया था और 1779 में इसने बंगाल एटलस भी पर भी काम किया था। और इन्हीं योगदानों के कारण इसे आप देखते हैं कि भारतीय भूगोल का जनक भी कहते हैं, यानी कि भारतीय भूगोल का पिता एक तरह से। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन, तीनों कथन आपके बिल्कुल सही थे। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपका हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इससे आपका क्वेश्चन सर्वाल देखने को आपको मिलता रहता है। किसान और जमींदार अत्यधिक कर व लगान वसूली के कठोर तरीकों से नाराज थे, बिल्कुल सही है। भारतीय सिपाही धार्मिक भावनाओं और विश्वासों के उल्लंघन करने वाले नियमों से असंतुष्ट थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। भारतीयों ने यह महसूस किया कि सामाजिक सुधार की आड़ में अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो आप देखेंगे तीनों सही हैं। क्या सही है, तीनों सही हैं। ठीक है, तो इस पर क्या लगाओगे आप लोग? तो इसमें आप डी ऑप्शन लगाओगे, एक दो तीन, तीनों सही हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है क्वेश्चन? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए व्यापक बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 1857 के विद्रोह के बाद आपने देखा कि अंग्रेजों ने बड़ा व्यापक बदलाव किया था, उसके संदर्भ में नीचे जो कथन दिए गए आपके, इन पर आपको विचार करना है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत सचिव नियुक्त किया गया, उसे भारत के शासन से संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी बना दिया गया, ये बिल्कुल सही है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यह निर्णय लिया गया कि सेना में भारतीय सैनिकों के अनुपात में वृद्धि होगी, उन्हें बेहतर वेतन मान और भत्ते दिए जाएंगे, ये आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि आपने देखा है कि 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों के सैनिकों में भर्ती को कम कर दिया गया, यानी कि घटा दिया गया था। ठीक है, स्वामियों और जमींदारों की रक्षा के लिए नीतियां बनाई गई और उन्हें अपनी भूमि संबंधी अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है? तो एक, दो और चार कथन आपका सही है। एक, दो, चार बिल्कुल सही है। क्योंकि आपने देखा था कि 1830 इसलिए गलत है क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाने लगी थी और भारतीय सैनिकों की संख्या कम हो गई थी। तो याद रखिए, इसमें एक, चार, दो सही था, एक, दो, चार, तीसरा गलत था। 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी पॉइंट हैं, उन सभी को याद रख लीजिए क्योंकि मेंस में भी इससे क्वेश्चंस बनते रहे हमेशा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के सही क्रम को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के सही क्रम को दर्शाता है? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रांसीसी। और याद रखिए, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे हमारे देश में और आपने देखा है कि सबसे बाद में ये लोग गए। क्या, सबसे बाद में गए? आपने देखा होगा कि प्रथम पुर्तगाली मिशन का नेतृत्व वास्को डी गामा द्वारा किया गया था। ये मई 1498 की बात है। केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये कालीकट पहुंचने में सफल भी रहा था। ठीक है,
और अगर हम लोग डचों की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 1802 के करीब, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, 1605 में देखेंगे कि मसूलीपट्टनम में पहला डच कारखाना भी खुला था। उसके बाद आप ब्रिटिश से देखेंगे, क्या देखेंगे, ब्रिटिश, ये 1613 के आसपास ही आप देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में फैक्ट्री लगाती है। ठीक है, और सबसे अंत में आप देखेंगे कि 1668 के करीब आपकी आती है फ्रांसीसी आते हैं आपके देश में। ठीक है, तो इनको क्रम से याद रखिए। क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में औपनिवेशीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत में औपनिवेशीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्ष 1605 में मसूलीपट्टनम में पहला डच कारखाना स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। बंगाल में पहला डच कारखाना 1627 में पीपली में स्थापित किया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यानी कि दोनों कथन आपके सही हैं, और सही कथन आपसे पूछ रहा है, तो दोनों आपके सही हैं। आप देखेंगे कि डचों ने वर्ष 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की थी। उसके बाद ये लोग भारत में फैलने लगे थे, और शुरू में आप जानते हैं कि ये व्यापार के उद्देश्य से ही आए हुए थे भारत में। ठीक है, तो इसमें आप क्या लगा हुआ, सी ऑप्शन, क्योंकि उस समय आप समझते थे कि वस्तुओं का व्यापार बढ़ चढ़ कर होता था, और मसालों की मांग हमारे यहाँ के यूरोप के देशों में बहुत हुआ करती थी, इसी उद्देश्य से ये लोग आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में यूरोपियों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत में यूरोपियों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डच खोजकर्ताओं ने भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया, ये आपका गलत है। भारत के समुद्री मार्ग पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, ये आपका बिल्कुल सही। इसमें लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि पहला कथन सही नहीं है, दूसरा इसमें सही है, तो इस पॉइंट को इसलिए बोलता हूँ। अब आपसे यहाँ पूछ लेता कि सही है तो आप लगाते दूसरा, लेकिन पूछा है सही नहीं है, तो एक सही नहीं है। एक सही क्यों नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने भारत में यूरोपीय आगमन आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। गौरतलब पुर्तगाली वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यात्री था, जो मई 1800 सॉरी 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचा था। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे, केवल एक गलत है, दूसरा इसमें आपका सही था। क्वेश्चन है हमारे सामने, बॉक्साइट खनन के विरुद्ध लगातार संघर्ष के लिए डोंगरिया कौंद जनजाति समाचारों में थी, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपका। तो इसमें आप देखेंगे, इस जनजाति का संबंध उड़ीसा के नियमगिरी पहाड़ी क्षेत्र से है, ये आपका बिल्कुल सही है। ये चट्टानों और पर्वतों जैसी बेजान चीजों में भी जीवन के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, ये भी आपके सही है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है। एक बात और याद रखिए, ये क्या रहते हैं कि अभी भी ये लोग अपने परंपरागत तरीकों से रह रहे हैं, जब भी इनके क्षेत्र में कोई छेड़छाड़ करता है तो ये लोग उन पर हमला भी कर देते हैं और उसका विरोध भी करने लगते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे, सी ऑप्शन, एक और दो सही है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो केवल एशिया और यूरोप के महाद्वीपों में विस्तारित है, ये चीन की जो योजना है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये कथन सही है या गलत, बिल्कुल गलत है। सभी G7 राष्ट्र चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हैं, ये भी आपका गलत है, सही कथन पूछ रहा था। तो आपने देखा है दोनों कथन आपके गलत हैं, क्यों गलत हैं,
क्योंकि आप देखेंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें आप देखेंगे एशिया, अफ्रीका और यूरोप के महाद्वीपों के कई देशों के बीच कनेक्टिविटी और सहयोग पर केंद्रित है आपका। और चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे पहले आप लोग वन बेल्ट वन रोड के नाम से जानते थे, इटली इसमें पहला देश है, G7 के देश बन गया, ठीक है। लेकिन सभी इसमें नहीं जुड़े हुए हैं, इस बात को भी याद रखिए। तो इसमें आपके ना तो एक सही था और ना ही दूसरा, यानी कि आप डी ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार होना है। ये जितने भी आपके संयुक्त सैनिक अभ्यास होते हैं उनके बारे में बड़े अच्छे से पॉइंट याद रख लिया करिएगा, और जब भी न्यूज़पेपरों में आप देखते रहते हैं होता रहता है, तो इसके बारे में एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि जो भी जिस साल आप लोग पेपर दे रहे हैं उस साल आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लिया करेगा, क्योंकि आप देखते हैं कि क्रम में लगाने के लिए भी आ जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यह आपका बिल्कुल सही है। ये जो आपका संयुक्त सैनिक अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था 2019 में, ये सही है बिल्कुल, आपका सही कथन पूछ रहा था, तो केवल दूसरा सही था, क्योंकि पहला इसलिए गलत है क्योंकि आप देखेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 अप्रैल से 16 अप्रैल तक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के तट पर आयोजित द्विवार्षिक यानी कि 2 साल में एक बार होता है इस अभ्यास के 30 संस्करण में भाग लिया था, ठीक है, द्विवार्षिक ही, तो इसके बारे में याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। और इसमें आप देखेंगे कि 7 देशों के साथ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में 9 सैनिक अभ्यास करेगा, इंडो पैसिफिक एम्बेडेवर। तो इसमें केवल आपका दूसरा सही था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन यानी कि जिसे आप लोग CDSCO के नाम से भी जानते हैं, इसके संदर्भ में आपको सही कथन चुनना है। यह दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और नैदानिक परीक्षणों से को नियंत्रित करता है, यह आपका बिल्कुल सही कथन है। यह केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी आपका सही है, और आपको सही कथन बताना है इसमें। तो एक भी सही है आपका और दूसरा भी बिल्कुल सही है, यानी कि आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्या है, दोनों कथन आपकी बिल्कुल सही है, एक दो दोनों सही है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लगाओगे, सी ऑप्शन, यानी कि एक दो दोनों सही। क्वेश्चन है आपके सामने, व्यापार प्राप्य बट्टाकरण छूट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए नियामक ढांचे द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह MSME की व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था है, ये भी आपका सही है, और सही कथन आपको चुनना था। तो एक भी सही है और दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि आपके दोनों सही है। क्या है, दोनों आपके कथन बिल्कुल सही है। रिजर्व बैंक के बारे में आपका कई बार पूछ लिया लेता है, तो इसकी स्थापना याद रखिए 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ था उसी समय हुई थी। आज इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, ठीक है। और किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो ये था RBI Act 1934, ठीक है। तो इसमें आप दोनों सही थे, यानी कि सी ऑप्शन आप बिल्कुल सही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि FATF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के समेकन के लिए धन शोधन
आतंकवादी गतिविधियों के लिए किए जाने वाले वित्त पोषण और अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करता है। ये बिल्कुल सही है। भारत FATF का सदस्य है, सही है। यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है, ये भी आपका सही है। क्या है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। देखेंगे आप लोग वित्तीय कार्यवाही कार्यदल, जैसे आप लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको फ्रांस, पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन इससे भी बनते रहते हैं आपके। इसमें सही कथन आपको चुनना था, तो इसमें आपका तीनों कथन सही है। अगर कोई भी संगठन आप चर्चा में रहता है तो उसमें देख लिया करिएगा कि भारत भी उसमें शामिल है या नहीं, क्योंकि हमेशा पूछ लेता है कि भारत इसमें सम्मिलित है, और हुआ है तो कब हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते रहते हैं, यानी कि तीनों आपके बिल्कुल सही हैं। भारत को आप देखेंगे कि 2010 में इसमें शामिल किया गया था 34वें सदस्य के रूप में। इससे पहले 2006 में भी भारत FATF पेक्षक राष्ट्रों के रूप में शामिल हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 जारी करता है, यानी कि ये रिपोर्ट आती है एक तरह से, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो एक तरह से ये जारी कौन करता है। तो आप जानते होंगे कि विश्व आर्थिक मंच ये जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। वैसे इन संगठनों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी याद रखिए, जनवरी 1971 में विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की गई थी, और इसका आपको हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इस तरह की रिपोर्ट भी, इंडेक्स भी आपके हमेशा पूछते रहे हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा एवं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारत की ऊर्जा की वैश्विक मांग में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत संयुक्त रूप से ऊर्जा की मांग में लगभग 70% वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्या है, दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है। भारत की भी बढ़ोतरी हुई है, और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की अगर बात करें तो 70% का योगदान है इनका, समझ रहे हैं। तो इसमें आपकी सी ऑप्शन, एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह केवल आय या फिर मौद्रिक शर्तों के आधार पर गरीबी की माप करता है, यह आपका बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत है। प्रत्येक वर्ष IMF द्वारा इसे जारी किया जाता है, यह भी आपका गलत है। सही कथन पूछ रहा है इसमें, तो आप देख रहे हैं कि ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, क्योंकि आप देखते हैं MPI इसलिए महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक, क्योंकि यह पारंपरिक प्रणाली कार्य प्रणाली जिसमें गरीबी की माप केवल आय या मौद्रिक शर्तों के आधार पर की जाती है, की तुलना में विभिन्न आयामों से गरीबी की पहचान भी करता है, और बहुआयामी गरीबी सूचकांक को UNDP जारी करता है, ना कि IMF। कौन, UNDP, यानी कि जिसे आप लोग यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में, और इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो इसमें ना तो एक सही था और ना ही दूसरा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, द्वीपीय संरक्षण क्षेत्र नियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। द्वीपीय संरक्षण क्षेत्र नियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह विशेष मामलों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की अनुमति देता है, ये आपका बिल्कुल सही है। नियमों के तहत छोटे द्वीपों में हाई टाइप लाइन से 20 मीटर की दूरी पर
इको टूरिज्म प्रोजेक्ट स्थापित करने की अनुमति है, ऐसे भी आपका सही है। नियमों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, ये आपका गलत है। सही कथन चुनना था, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, एक और दो सही है और तीसरा इसमें गलत है, क्योंकि आप देखेंगे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अंडमान निकोबार के लिए IPZ 2019 को अधिसूचित किया है। किसने? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, ठीक है। तो इसमें आपका देखेंगे आप लोग सही एक और दो था, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए ये था आपका 18वां टेस्ट, मिलते हैं हम लोग 19वें टेस्ट में, ठीक है। तब तक PDF इसकी टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप लोग एक बार अच्छे से इसे और पढ़ लीजिए।